अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अंजुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ब्लॉग विद अंजुम। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल वाला चना चाट रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है घर में। जो मुंबई में डेले वाले बनाते हैं ना, सेम वही रेसिपी यूज़ करके मैं आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले उसको देखें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा एमी भी बनती है, आप इसको इफ्तारी में ज़रूर शामिल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा कम तेल में बनने वाली चाट रेसिपी है। चलिए चटपटी चना चाट रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक कप चना ली हूँ, इसको रात भर के अच्छे से भिगो के रखी हुई थी। ये वही काला वाला चना है जिसे हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटू सा कुकर ली हूँ, अब सारा चना इसमें डाल दूँगी। और चना डालने के बाद इसमें उबलने के लिए एक गिलास पानी डालूँगी और लास्ट में यहाँ एक टेबल स्पून नमक डालकर इसको अच्छे से ढककर 3 to 4 विजल के लिए रख दूंगी। देखिए अब यहाँ पे 3 to 4 विजल्स अच्छे से हो चुके हैं, चलिए इसको निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे चना अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, चलिए एक निकाल कर चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैश होना है हमारे चना, ओवर कुक नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमें एक कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून करीब तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे और साथ में मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे मैं अदरक और हरी मिर्ची को अच्छे से कूट ली हुई थी। इसे ऐड करने से हमारे चना चाट में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसकी कच्ची खुशबू जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालूंगी प्याज, मैं एक प्याज को अच्छे से कट की हुई थी, इसमें आधे से भी कम प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे बाद में यूज़ करूँगी। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी समय में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैं गैस का फ्लेम इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि अब मसाले डालने की बारी है। यहाँ पर कम तेल का इस्तेमाल करने की वजह से मसाले जलने का डर रहता है, इसलिए मैं ऑफ की हूँ गैस फ्लेम को। पहले यहाँ 1/2 टेबलस्पून नमक डालूँगी और इसके बाद 1/2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और साथ में जाएगा 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में जाएगा 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जाएगा 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और लास्ट में जाएगा 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे पहले, और इसके बाद 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे इसको। देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसकी कच्ची खुशबू चली गई है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए चने, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारा चना मसालों से अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, मैं यहाँ पे 1/2 आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में हम कच्चे वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे जो हमारे चना चाट को क्रंचीनेस देगा। यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ जो बारीक कटे हुआ है, और 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो वे भी बारीक कटा हुआ है, और छोटा बारीक कटा हुआ खीरा। अगर आपको खीरा पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में डालूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और लास्ट में 1 छोटा सा नींबू को अच्छे से स्क्वीज करके इसको सारा मिक्स कर लूँगी और गैस का फ्लेम को भी बंद कर दूँगी इस समय। और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए हमारा मुंबई स्टाइल वाला चटपटी चना चाट मसाला बनके तैयार हो चुका है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे चटपटे चना चाट को मैं सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ना इसका कलर और टेक्सचर कितना मस्त लग रहा है ना। एकदम ढेले वालों की तरह चटपटी चना चाट मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ना ये मुंबई स्टाइल वाला चना चाट मसाला कितना मस्त लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है ना। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। और मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।